गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब अच्छे से हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नाउ स्टार्ट योर क्लास स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों आपके मीडियम हैं और सब्जेक्ट आपका हिंदी है। लास्ट डे हमने बेटा कुछ पंक्तियों का भावार्थ किया था वीडियो में, तो आज हम हिंदी पाठ 2 अभ्यास 2 आपका स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पाठ का नाम मैंने आपको लिखा है, पाठ का नाम क्या है? काकी। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे, ऑफिस के प्रश्नोत्तर वगैरह सब कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, पाठ दो आपका, पाठ का नाम है काकी। तो इसमें छात्रों को अंतर्मन की भावना समझने तथा चोरी ना करने की प्रेरणा देना। इसमें क्या है इसका संकेत बेटा पाठ का? छात्रों को अंतर्मन की भावना समझने तथा चोरी ना करने के लिए प्रेरित करना है ना। कोई जीवन में ऐसा काम नहीं करना है स्टूडेंट बच्चों जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। हमेशा ईमानदारी रखें अपने जीवन में, है ना। इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है। तो बहुत अच्छा पाठ है, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, और पढ़ने के बाद में प्रश्नोत्तर वगैरह आपके पीडीएफ के माध्यम से मैं सेंड करूँगा। ओके। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कम्बल पर भूमि सहन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूट कर वह माँ के ऊपर जा गया। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ओके। तो वह बहुत रो रहा था, विलाप कर रहा था, है ना, बहुत करुण यानी दुखी हो रहा था। उसकी माँ को जब शमशान ले जाने लगी तो वो गिर पड़ा, इतना जो है भावुक हो गया और विलाप करने लगा और वो उपद्रव मचाया, माने वो कंट्रोल से बाहर हो गया, है ना। लोगों के हाथ से छूट कर वह माँ के ऊपर गिर जाता था। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। इस प्रकार से वो जिद करने लगा। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे, लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे वहां से हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाल रही थी, वो इतना दुखी हो गया था। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजन ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसकी मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बता वो बात उससे छिपी ना रह सकी। काकी और कहीं पर नहीं, राम के यहाँ गई है। उसे ऐसा आभास हो गया, उसे ऐसा समझ में आ गया कि वो मामा के यहाँ नहीं गई है, वो क्या है, भगवान के पास चली गई है। ऐसा उसको आभास हो गया और वो विलाप कर गया। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोता उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु उसका शोक जो था वो शांत नहीं हो सका। अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता था। वो क्या करता था कि वो आसमान की ओर देखता रहता था। उसे ऐसा लगता था कि मेरी माँ ऊपर है, ऊपर गई है। और एक दिन उसने एक ऊपर पतंग उड़ती देखी, उसने पतंग उड़ता देखा तो उसके हृदय में एकदम उसका हृदय खिल उठा, वो खुश हो गया। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग लाकर दो, एक पतंग मंगवा दो। इस प्रकार
पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर उसके जो पिता थे वे भी अनमने से रहने लगे थे। अच्छा मना दूंगा यह कहकर वे चले गए, लेकिन क्या हुआ कि वो भूल गए तो श्यामू ने पतंग लाने के लिए क्या किया, उनके पिता के जो पैंट टंगा हुआ था खुटी पर घर में, तो उसमें से पैसे निकाल करके उसने पतंग ले ली और उसने पिताजी को नहीं बताया। इस प्रकार से जब वो पतंग ले आया तो उसका एक दोस्त भी था भोला, वो बहुत समझदार था, उन दोनों ने पतंग बनाई और उड़ाने लगे। उसके पिता ने देखा कि मेरे पैंट में कुछ पैसे रखी हुई थी वो नहीं है, उसने पूछा तो श्यामू से पूछा, श्यामू ने कहा मैंने उठा लिए थे, तो उसके पिता ने उसे बहुत डांटा कि चोरी करना अपराध है, तुमने बिना पूछे मेरे से ये पैसे कैसे ले लिए, तो वो डांटा तो भाई वो बहुत दुखी होने गया, रोने लगा और पतंग उड़ा रहा था, उसने पतंग पर लिख रखा था काकी। जब उसके पिता ने उसको डांटने के बाद देखा पतंग उसको नीचे खींची उड़ा रहा था और उस पर काकी लिखा देखा तो उसके पिता भी रोने लगे और उससे पूछने लगे कि श्यामू तुमने ये पतंग पर काकी क्यों लिखा है, तो उसने जवाब दिया कि मैंने सोचा मेरी माँ ऊपर गई है इसी रास्ते, तो मैं पतंग पर लिख के उनको मैसेज भेज रहा हूँ, वो पढ़ करके हो सकता है इसी रास्ते से वापस आ जाए, तो इस प्रकार से वो भी भावुक हो गई और उसे गले लगा लिया। कहने का मतलब है बच्चों कि इस पाठ से ये मिलता है सीखने को कि कभी भी हमें कोई भी कार्य करना है तो वो छुपा कर नहीं करना चाहिए। मतलब कि पैसे श्यामू ने उठाए लेकिन वो चोरी कहलाए, इसीलिए कहने का मतलब यह है कि हमें कोई भी जीवन में ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमको शर्मिंदा होना पड़े, चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, इसीलिए हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए जिससे हमारा जीवन उज्ज्वल हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य अंधकार की ओर चला जाए। इस पाठ से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, यह हमें जीवन में उतारना चाहिए। तो बेटा ये पाठ है, इसका सारांश थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। इस पाठ को के आधार पर जो प्रश्न है इसकी खाली स्थान है वो PDF के माध्यम से मैं लिख करके आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वो नोट करें और पढ़ें। ठीक है बेटा, कल न्यू टॉपिक के साथ फिर हम आपसे न्यू वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।